जी राठौड़ व्लॉग्स, आज नहा धो के रेडी हो गए हैं। बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आफ्टरनून होने वाली है, मतलब हमारा लंच टाइम हो गया है। आज हमारे को एक गेस्ट थी, वो लोग महाराज है, वो खाने पे आए थे, तो वो बैठे हैं अभी बाहर और इधर बैठे हैं दोनों बुआ, वेट कर रहे हैं ये दोनों टीवी देखते हुए। फिर वो जाएंगे ना तब हम खाएंगे। काको से लड़ दे तो ये देखो, ये दोनों बुआ नहा धो के रेडी होके बैठ चुके हैं। अब टीवी तो देखती हूँ, ध्यान चला मिल जाना, आप ही देख रहे हो। हाँ मतलब फुल शाही थाली लगी है आज तो खाने में। नानी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शाही खाना, एकदम बढ़िया। क्या मज, क्या बात, क्या बात, सही है भाई, सही है। बाजरे का चूरमा, बाटी, दही वाले चावल, मिर्ची और हाँ वाव। ये चल रही है आज फैमिली डिनर, सब मस्त बैठ के हम लोग खा रहे हैं। वहाँ मम्मी और काकी साहब खाना बना रहे हैं, बाटियाँ सिक रही है और इधर कोई आए हुए हैं तो वो बैठे हैं महाराज और पुपोसा और सब। मस्त खाना है आज, बाजरे का चूरमा, एकदम सर्दियों वाली चीज़। अब हम लोग आके बैठे हैं बाहर धूप सेकने के लिए। हमारा डैश घूम रहा है, दादी साहब भी घूम रहे हैं। बहुत तेज धूप की ज़रूरत थी, मतलब सख्त ज़रूरत, और वो रहा तो हॉस्पिटल हमारे सामने ही। धूप तेज है पर खाना खा के छाछ जो पिए तो उसके सब लग रही है भयंकर ठंड। 5 मिनट तो हाँ पर ठीक है। सो आज हमारे घर पे महाराज आए थे, इनका खाना था आज घर पे, फिर हम सब ने इनके साथ फोटो क्लिक करवाई। कुर्सी देने के बावजूद भी उन्होंने अपनी स्पेशल कुर्सी बनाई है, टंकी, टंकी वाली कुर्सी। आ जाओ बुआ, चाय आ गई है हमारी। और ये एक बुआ जो है वो जाने की तैयारी कर रही है, कुत्ता की बरात जा रही है, कह रही है ओ कुत्ता की बरात चाय पी लियो, चाय ठंडी हो रही है। और ये मम्मी चाय पीते हैं, हमेशा चाय पीते हुए दिखते हैं ये। ओ ये बुआ और की हो चुकी है शॉपिंग सीख, इनकी जो मम्मी काकी सर दादी सर दिला के लेके आए हैं आज। और मुझे बताना था मेन आपको शॉप के बारे में। सो ये जो भी अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय नगर के आसपास यहाँ से रहते हैं, तो ये जगदम्बा, श्री जगदम्बा राजपूती बुटीक एंड गर्ल्स वियर, ये इनका स्टोर है। इन्होंने घर में ही अपनी एक शॉप कर रखी है, वहाँ पर आपको राजपूती कपड़े और उनका कलेक्शन अच्छा सा मिल जाएगा। जो कपड़े हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी क्या क्या लेके आए हैं। और उनका ये एड्रेस है चारभुजा हॉस्पिटल जो है उसके बिल्कुल सामने, ये मकान नंबर है। और ये उनका हरिभाऊ उपाध्याय विस्तार में, और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आप जाके कॉन्टैक्ट करना चाहें तो। और उनका नंबर आप सेव भी कर सकते हैं, वो अपने स्टेटस पे भी काफ़ी लगाते रहते हैं कपड़े वगैरह, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं और उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। बाकी उनका एड्रेस वगैरह पूरा दिखा दिया। और अब कपड़े कैसे हैं वहाँ से, उनके कपड़े भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं भी, हम भी काफ़ी कपड़े वहाँ से लेते हैं, बहुत सारे कपड़े मेरे हैं जो मैं पहनती थी पर मैं शायद आपको बताना पहले भूल गई, लेकिन अभी जब अगली बार वो कपड़े वापस पहनूंगी तो ज़रूर बताऊंगी इन्हीं के यहाँ से लिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको कपड़े एक एक करके, दिखाओ हुआ। देखो एक ड्रेस तो ये आई है, ये है इसका लहंगा, ये दोनों बुआ का है, दोनों के एक एक का कलर अलग अलग है। ये दोनों के लहंगे हैं और ये हैं इनके जोड़, ये देखो, ये वर्क नाम मुझे नहीं आता है बताना, पर ये लहंगा और ये जोड़, एक का कलर ये है, एक का कलर ये है। ये है 4 मीटर सूट और इनके ऊपर प्योर वाली ओढ़नी है, इसे एक की ओढ़नी ये रही, बहुत ही मतलब इसके प्रिंट मुझे ये बहुत ही पसंद आया, मुझे येलो कलर पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए। इसकी ओढ़नी ये है आई थिंक, और ये दो 4 मीटर वाले सूट है प्योर की ओढ़नी के साथ में, एक 4 मीटर का सूट ये है। अच्छा ये ओढ़नी इसकी है, अच्छा ये इसकी नहीं है, ये वाली ओढ़नी इसकी है, वो वाली ओढ़नी इसकी है और इसकी शायद ओढ़नी नहीं है अभी। पर ये देखो प्रिंट कितने अच्छे अच्छे हैं 4 मीटर के। और एक ये भी है, ये भी बहुत अच्छा है, ये देखो दोनों के मतलब सेम सेम सूट है दोनों के। गाड़ी में से बोलते हैं, हाँ, बढ़ेगा पांच से रखेगा, मास्टर को गाड़ी,
चलो कितना भी बोलने के बाद ये बुआ तो जाती भी नहीं मान रही है। कौन है गई वो बटे ढूंढ रहे हाल तो चलो आप भी बैठो दीनी भूपोसा का पूछ ले वंदना आंटी को फोन आ रहे कर पूछो मैं वापस कट गया। ये देखो चमक रहे हैं सारे सारे धूप में बैठ के। बुआ जा रहे थे लेकिन एक प्लान चेंज हो गया कि वंदना आंटी भी इनके साथ जाएंगे, इसलिए 10 मिनट का वेट हो रहा है उसके बाद जाएंगे। इनको तो यहीं रोक लिया, ये कहीं नहीं जा रहे, जाएंगे 2-3 बाद जाएंगे। आगे कोई तो आया, ये बदमाश बच्चे ऐसे पकड़ पकड़ यार यहाँ ले रही जाने को टावर ने पकड़ लिया नहीं यार। बुआ जा रही रंजन, रंजन भी चली भाई छुट्टियों में, भानु ने लाड तो आई है, लाड करावा तो आई है। अच्छा वीडियो भेजी देखी की? देखी बच्चे बबली नहीं बनाओ माँ बेटिया वीडियो भेजी जो अलग ही दोस्ती दिखाई जा रही है उधर। आके भेजी बंदना के मैं आई होने में बैठो बैठो सवारी बढ़ गई अचानक से। कोई बात बढ़िया तो साथ गया कंपनी सा और क्या वही तो ठेठ ठेठ तक ही मैं बैठ नहीं पाती हूं यहां पे। आ जाओ बाय। अरे उसको विंडो के पास बैठना है ऐसे होता है योग संयोग। और 5 मिनट लेट होते ना सच में निकल जाते हैं। मैं यहीं तो वीडियो बनाई थी बुआ की बैठते ही रही की और गेट बंद ही कर रहे थे इतने मैंने कहा फोन आया रुको रुको एक साथ पड़ जाए दोनों बाय। चलो भाई अंदर चलो पलटन। आज की ठंड को देखते हुए ये कैब भी निकाल ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और इस टाइम मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती बीमार होने का बिल्कुल भी नहीं। सो सोचा है कि टोपी पहन ली जाए, मम्मी ने बोल दिया तो सोचा पहन ही ले। लग तो मैं एकदम कार्टून रही हूँ इसमें बट कोई बात नहीं, फैशन से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ पर ध्यान देना। और आज मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब राजस्थान से स्पेशली मेरे सारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्टली सब राजस्थान से ही हैं, उदयपुर बीकानेर मेरे गांव से भी काफ़ी आसपास की जगह से सब लोग थे और देवराला से भी, मतलब मेरे ससुराल है वहाँ से, जयपुर से, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि कितने सारे लोग कितनी दूर दूर से इससे मुझे देख रहे हैं और व्लॉग से मतलब कनेक्ट हो रहे हैं। और सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसे व्लॉग्स को और शेयर करते रहिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स हम बहुत ज़्यादा जुड़ काफ़ी लोग रहे हैं लेकिन व्लॉग जैसे कि पहले जितना अभी रहा नहीं है, पहले जैसे कि व्यूज़ आप लोग भी देखते थे। और लाइक करना आप लोग मत भूलिए देखने के बाद में प्लीज़, और व्लॉग्स को शेयर करिए प्लीज़। मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि व्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और लोग हमसे जुड़ पाए और हम एक बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली, मेरी भी एक अलग से यूट्यूब फैमिली हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो। और बहुत जल्दी, अब तो बहुत जल्दी जल्दी आपको स्पेशल स्पेशल व्लॉग्स भी मिलने वाले हैं और आपको पता ही होगा वो स्पेशल व्लॉग्स क्या होंगे, बहुत ही कम टाइम है फिलहाल। सर्दी में सभी अपना ध्यान रखिए क्योंकि अभी राजस्थान में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सभी जगह पर, ये नहीं है कि सिर्फ यहीं है, कुछ कुछ जगह पर तो और भी ज़्यादा है। तो सभी ठंड का ध्यान रखें और ऐसे ही व्लॉग्स देखते रहें और व्लॉग्स को शेयर करते रहें बहुत ज़्यादा, और मैं आपके लिए व्लॉग्स बनाती रहूँगी बिल्कुल। नया रूल है आजकल, रात को सोने से पहले एक बार टी पार्टी, उसके बाद नींद लेना। दादी तो सो गई भाई हमारी है, तो आपने तो कदे ही पिला लो, रात का ही पियो तो ही मम्मी तैयार है चाय भी बना।
सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड आई होप आप लोग सभी व्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे और आप लोग मैं यही कहूँगी कि व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक और करना मत भूलना और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।